आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज मनी, हिंदी में कहते हैं समय कीमत है। आप अपने ऑफिस में अपने 8 से 9 घंटे की सेवाएं देते हैं, बदले में तनख्वाह आपको कंपनी देती है। आपके समय की ही तो कीमत है कि आप समय देते हैं तो कंपनी तनख्वाह देती है। लेकिन सोचिए अगर कि अगर आप 50 किलोमीटर की यात्रा करके रोजाना ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो यकीनन ये दूरी 2 से 3 घंटे में पूरी होगी। ऑफिस में 8 से 9 घंटे काम करना है, फिर करीब 6 घंटे गड्ढे वाली सड़क से यात्रा करना है, तो आम आदमी थक जाए। इसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद के बाद परिवार के लिए आप कितना वक्त दे पाएंगे? घंटे देखे जाएं तो आपका मी टाइम 0 होगा। जिंदगी ठप, ना अपने लिए वक्त है ना परिवार के लिए। लेकिन वहीं अगर घर से ऑफिस की दूरी 50 किलोमीटर की है लेकिन दूरी तय होती है टोल रोड से, तो आधे घंटे में आप घर से ऑफिस में होंगे। 8 से 9 घंटे ऑफिस में काम करेंगे और केवल 1 घंटे में पूरी यात्रा। खुलकर 7 से 8 घंटे सोइए, आपको अपने लिए वक्त मिलेगा। 5 से 6 घंटे परिवार के लिए मिलेंगे, यानी परिवार का टाइम और मी टाइम भरपूर मिलेगा। ये दो परिस्थितियां अंतर साफ, यानी देखा जाए तो टोल रोड के होने से आपकी जिंदगी कितनी सरल हो जाती है। लेकिन फर्ज कीजिए टोल रोड ना हो तो जिंदगी कैसी बन जाएगी? ऐसी मानसिकता बन गई कि जैसे टोल रोड कोई विलन बन गई हो जो हफ्ता वसूली लोगों से करती है, जबकि हफ्ता वसूली करने वाले सुविधाएं नहीं देते हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि टोल टैक्स मजबूरी नहीं है बल्कि टोल टैक्स जरूरी है। टोल टैक्स के फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर के जी न्यूज एक मुहिम चला रहा है और इसी मुहिम के तहत हम आपको आज लेकर चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, एक ऐसा शहर जहां का ट्रैफिक वर्ल्ड फेमस है। मुंबई के रहने वाले या जो लोग मुंबई गए हैं वे अच्छे से जानते हैं कि वहां पर ट्रैफिक का हाल क्या है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुंबई के ट्रैफिक से परेशान लोगों को सबसे बड़ी राहत किसने दी है? मुंबई के लोगों को सबसे बड़ी राहत दी अटल सेतु ने। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर की है। सीएसटी से जेएनपीटी तक जाने के लिए दोनों रास्तों पर टोल नाके, एक में टोल लगता है 45 रुपए। ये रास्ता वडाला फ्रीवे से लेकर के चेंबूर वाशी टोल नाका होते हुए नवी मुंबई जाता है। ट्रैफिक की वजह से दूरी तय करने में लगता है लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो दूसरा रास्ता अटल सेतु है, यहां पर 250 रुपए का टोल है लेकिन ट्रैफिक कम होता है और दूरी तय करने में लगते हैं 35 से 45 मिनट। अगर आपको ये दूरी तय करनी हो तो आप किस रास्ते से दूरी तय करेंगे? अटल सेतु जैसे टोल रोड से जहां टोल थोड़ा ज्यादा है लेकिन समय लगभग 1/4 लगता है, या फिर उस टोल से जहां टैक्स तो कम लगता है लेकिन समय 4 गुना ज्यादा खर्च होता है? कोई राय बनाने से पहले हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें हमारे सहयोगी सीएसटी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक की दूरी दोनों मार्गों से तय करते हैं। ग्राउंड पर हालत क्या है, कितना समय खर्च होता है, इसका हाल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहां से जाएंगे चेंबूर होते हुए वाशी का जो टोल नाका वो क्रॉस करके फिर हम जाएंगे जेएनपीटी, फिर रिटर्न जर्नी जो हम करेंगे वो जेएनपीटी से सीएसटी के लिए होगी। वो जर्नी हम अटल सेतु से करेंगे जिसका टोल हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, लेकिन उससे आप कहां कहां बचत कर रहे हैं। और ये जो 250 रुपये की जो लागत आपको लग रही है टोल की, इसकी तुलना में जो हमने नॉर्मल रास्ता लिया है वो आपकी जेब पे ज्यादा भारी पड़ता है या नहीं, ये बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम आपको दोनों जो सड़क हैं, दोनों रूट हैं, उनका सफर अपने साथ तय करवाएंगे। जो रूट हमने लिया है सीएसटी, सीएसटी से हम वडाला, वडाला से हम फ्रीवे लेंगे, लेकिन जो ट्रैफिक है वो आपको पूरा फेस करते हुए जाना पड़ेगा। और ये ट्रैफिक की जो समस्या है वो आपको इस रूट पे, जिस रूट के बारे में हमने आप कही, जो पुराना रूट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो लेते हुए हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप पुराना जो तरीका है आने का मुंबई से नवी मुंबई जेएनपीटी जाने का, वो यही तरीका है। 45 रुपये का टोल अभी हमने पे किया है। वाशी का टोल पे हमने 45 रुपए का टोल भरने के बाद अब हम ये रास्ता लेते हुए नवी मुंबई में अंदर कदम तो रख दिया है,
देखिए जरा सड़कों के हालात देखिए, और ये मैं आपको लगातार बता रहा हूँ नॉन पीक आवर्स की बात है। आप 45 रुपए का टोल देते हैं क्योंकि सस्ता है, क्योंकि अगर आप अटल सेतु से जाएंगे तो 45 रुपए का टोल आता है। और हालात देखिए सड़कों के, कितने बुरे यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, उससे तो बनिस्पत ये होता है कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आपकी सेहत खराब हो रही है, वक्त जा रहा है और आपका ईंधन जो लग रहा है। तो ये जो टोटल कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो शायद आपको उस 250 रुपए से ज्यादा महंगा पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है, यहां से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर वो अटल सेतु शुरू होता है, जिसको लेकर हम वापस मुंबई की तरफ जाएंगे और हम यहां से देखेंगे कि ये सफर कितना लंबा होगा। जो हमें गूगल मैप पे दिखा रहा है तकरीबन इसी के 44 मिनट हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे जानने के लिए कि क्या वाकई में जो 1.5 घंटे का सफर हमने किया वो 40 मिनट में हम उसको सिमटा सकते हैं या नहीं। और यहाँ से इस वक्त हम यहाँ से निकलेंगे और हमारी जेब से तकरीबन 250 रुपए का टोल जरूर कटेगा, लेकिन यकीनन तौर पर ये 250 रुपए वर्थफुल है। वर्थफुल इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा टाइम कम जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा सफर का जो वक्त है, टोटल सफर का वक्त वो भी कम लग रहा है।